देख रहे हैं शेबाजा लाइव, तीन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश सतपुते हैं, अविनाश गोरखसाकर हैं और के सुब्रमण्यम भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमने आयशर मोटर्स की बात की थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अब मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स को भी देख लेते हैं क्योंकि दोनों ही कंपनियों के सेल्स नंबर्स आए हैं। टाटा मोटर्स की जो सेल्स नंबर्स है उन्होंने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेल्स रही है मारुति सुजुकी के, और इनफैक्ट जो कुल बिक्री है वो 1.25 लाख यूनिट से बढ़कर 1.5 लाख यूनिट पहुंच गई है। तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स मारुति ने पोस्ट किए, और मारुति के अगर स्टॉक को देखेंगे भी आप तो फ्राइडे के सेशन में एक स्ट्रॉन्ग मूवर था, ये 3.5% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ था। एक क्विकली कॉमेंट ले लेते हैं सुब्रा से। सुब्रा, एक स्टॉक जो कि कॉन्स्टेंट चल रहा है, वैल्यूएशन जिसकी स्ट्रेच लग रही है और नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग है, दूसरी तरफ टाटा मोटर्स जो कि वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है, जो बहुत ज्यादा चला भी नहीं है और नंबर्स भी थोड़े डिसअपॉइंटिंग आए हैं, लेकिन अगर डेरिवेटिव एक्टिविटी को एनालाइज करें तो आप किस स्टॉक को रेकमेंड करेंगे आज? दिवाली ब्रॉडली जो भी बायस प्राइस मूवमेंट से नजर आ रहे हैं, और जहां तक टाटा मोटर का सवाल है, हमने लगातार लास्ट आई थिंक दो महीने में लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्डअप देख रहे हैं, तो नियर टर्म सपोर्ट जरूर है 435-40 के आसपास, लेकिन मेरा मानना है कि शायद उसके आसपास अगर आए तो एक बार 435 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर खरीदारी करें, आज का दिन शायद सुस्त कारोबार रह सकता है। और जहाँ तक मारुति का सवाल है, लगातार डेफिनेटली मोमेंटम जारी है, ऑटो सेक्टर में बढ़त जबरदस्त इसी काउंटर पर आ रही है, मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म थोड़ी बहुत ऊपर में मुनाफा वसूली आ सकती है, इवेंचुअली मेरा हमारा मानना है कि शायद ये 6,900-7,000 तक जाने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो वोट जाता है सुब्रा का मारुति सुजुकी को। वहीं टाटा मोटर्स अगर देखें, पिछले सेशन में बायस पॉजिटिव था स्टॉक का भी, लेकिन अब यहां से सीधे रुक कर लेते हैं टुडे ट्रेड का। टुडे ट्रेड में हर रोज एक स्टॉक हम आपको बताते हैं, आज का शेयर भी जान लेते हैं। बताइए डिम्पी। कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी एंड हॉलिडे, ये एक शेयर होगा जिसपे आपको ध्यान रखना है। ये 18.5 रुपये के टारगेट के लिए आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं, 16 रुपये के आसपास बंद हुआ है। लास्ट सेशन में हमने इसको 12 बजे शो के अंदर भी एक बार नोटिस किया था, इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम आया था और 15.5 ही आपको स्टॉप लॉस रखना है। हालांकि 3 दिन की छुट्टी खत्म हो गई, छुट्टी वाला ही शेयर है, लेकिन हमारी खत्म हुई है छुट्टी, लेकिन कई बच्चों की छुट्टी भी आने वाली है। तो अप्रैल में जोरदार ट्रेडिंग वॉल्यूम तो इसमें मिला ही है, ठीक उससे पहले पोजिशंस बनी और एक करीब 60% डिलीवरी वॉल्यूम के साथ खड़ा हुआ है। डेट इक्विटी इनका ठीक है, अभी भी रेशो 1% को क्रॉस नहीं कर गई है। बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, बुक वैल्यू करीब करीब इसकी 30 रुपये के आसपास बनती है, उसके भी नीचे है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग 73% है और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, कभी भी रकम की जरूरत पड़ेगी तो प्रमोटर हिस्सा बेच के रकम जुटा सकता है। फिलहाल मेंबरशिप की संख्या और तिमाही नंबर्स में सुधार की उम्मीद देखने जा रही है और वॉल्यूम में कई साल का ब्रेकआउट भी यहाँ पे लगता है। तो 18.5 के टारगेट के लिए आप आज कंट्री क्लब पे जरूर ध्यान दें, इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मूव लास्ट सेशन में भी आया, आज भी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो कंट्री क्लब है आज का टुडे ट्रेड, 18.5 के टारगेट दिए जा रहे हैं, 15.5 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। सीधे चलते हैं न्यूज़रूम पूजा के पास, जान लेते हैं आज के 10 इंट्राडे कॉल्स। बताइए पूजा जी, शुरुआत चॉइस बुकिंग के रिकमेंडेशन से करते हैं। इन्होंने ओरियंट सीमेंट में खरीदारी करने की राय दी है, नतीजे भी आने हैं कंपनी के और इसके पहले अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है। 182 तक के लेवल्स स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 164 का। अगले कॉल में इन्होंने फोर्टिस हेल्थ केयर में खरीदारी करने की राय दी है, इसके पहले जो कारोबारी सत्र था उसमें अच्छी तेजी थी, करीब 5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, आज भी वो मोमेंटम बरकरार रहने का अनुमान है और 230 तक के लेवल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉल में इन्होंने कर्नाटका बैंक में खरीदारी की राय दी है, यहाँ पर खरीद कर चलिए, 11% तक का रिटर्न स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है, स्टॉप लॉस लगाइए 158 का। और आखिर में जेके टायर में इनका बाय रिकमेंडेशन है 172 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस होगा 162 का। अब IDBI कैपिटल के कुछ व्यूज ले लेते हैं, इन्होंने गुजरात पीपावाव में खरीदारी करने की राय दी है और इंट्राडे में इनका मानना है कि 165 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉल में इन्होंने पावर ग्रिड में खरीदारी करने की राय दी है और यहाँ पर इनका मानना है कि 215 के लेवल्स इंट्राडे में देखने की उम्मीद है और सुझा रहे हैं 205 का। प्रिसिशन इन्वेस्टमेंट ने फ्यूचर लाइफस्टाइल में खरीदारी करने की राय दी है 303 के टारगेट के लिए, यहाँ पर भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, करीब 9-10% का आप मूवी स्टॉक में देखने का अनुमान है, 283 तक का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और अगले कॉल में इन्होंने ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में खरीदारी करने की राय दी है 257 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस होगा 239 का। अब आखिर में इन्वेस्टर पॉइंट से कुछ व्यूज लेते हैं, इन्होंने BEL में खरीदारी करने की राय दी है, यहाँ पर इनका मानना है कि 188 तक के लेवल्स देखने की उम्मीद है स्टॉक में, स्टॉप लॉस लगाइए 181 का। और अगले कॉल में उन्होंने गेल में खरीदारी करने की राय दी है, 2-3% की तेजी इस स्टॉक में आज देखने को मिल सकता है, 435 के लेवल्स देखने की उम्मीद है और स्टॉप लॉस लगाइए 419 का। ठीक है, कुछ एक शेयर्स हैं, इस पे गेल भी आपको लास्ट में दिया गया है, यहाँ पे प्लस पोजीशंस आप ले सकते हैं, 435 का टारगेट, 419 का एक स्टॉप लॉस है।
राजेश, आपके आज के रिकमेंडेशन क्या है, कौन सा शेयर आज चल सकता है, आपके ट्रेडिंग पिक क्या है? देखिए, हमें लगता है कि आईटी में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन आ सकता है, यहाँ पे फार्मा में आ सकता है, तो उसी में हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेकमेंडेशन किया है। मोमेंटम मेटल में मुझे लगता है पुल बैक आएगा, तो मेटल में टाटा स्टील अच्छा लगता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 444। टारगेट जो रहेगा 464 का रहेगा। सेकंड रहेगा इंट्राडे में टेक महिंद्रा बाय करिए, कॉन्ट्रा कॉल है, 415 के ऊपर बाय करिए, स्टॉप लॉस 408 का रहेगा, टारगेट रहेगा 432 का। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे मैंने कहा, वन कैन गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 182, टारगेट विल बी 194। तीन शेयर आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। एंजल ब्रोकिंग से मयूरेश जोशी भी मेरे साथ जुड़े हैं। मयूरेश, शुक्रिया समय देने के लिए। ये शायद हफ्ता इंडेक्स के लिहाज से कोई बड़ा ब्रेकडाउन या ब्रेकअप ना हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो रहेगा। मयूरेश, इस पर आपकी राय क्या है और कौन से सेक्टर्स पर भी आप बुलिश हैं, किस पर बेरिश हैं, या बेरिश नहीं भी हैं तो आपकी वॉच लिस्ट में आ गया है, आप उसको अब नोटिस करेंगे, हर 5% चलने पर आप उस पर डाउट करेंगे ये क्यों चल रहा है? मॉर्निंग डिम्पी, मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे बैंकिंग और ऑटो कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, आई थिंक वहाँ पे एक स्पेस बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे फेडरल बैंक ने भी नतीजे पोस्ट किए थे, हमारे ख्याल से आई थिंक जो मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक का टू अ लार्ज एक्सटेंट इज समथिंग दैट आई एम लाइकिंग, एक मीडियम और लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। सिमिलरली इन द सेम ब्रेथ आई थिंक जैसे मारुति, रॉयल इनफील्ड के नंबर्स आए हैं, मारुति के आंकड़े Q4 के लिए और जो अप्रैल के आंकड़े आए हैं फॉर द मंथ गॉन बाय, मेरे ख्याल से बहुत इंकरेजिंग ट्रेंड है। तो मारुति, इनफील्ड, ऑटो एंसिलरीज में भारत फोर, जेके टायर, आई थिंक दिस कंपनीज इज समथिंग दैट आई कीप ऑन लाइकिंग। कैपिटल गुड्स में मैं अभी भी आई थिंक थोड़ा कॉशियस रहूँगा, हालांकि आई थिंक प्राइवेट केपिक्स की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट केपिक्स जो फ्रंट लोड होगा फर्स्ट हाफ में, वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन अक्रीशन। तो आई थिंक कॉशियस रहना है, तो आई थिंक वन विद रियली वॉच आउट फॉर कैपिटल गुड रिजल्ट्स, बट एक स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी चाहिए इन दैट सेक्टर ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ऑटो, ऑटो एंसिलरीज, बैंक्स, नवीन फ्लोरिन के बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए थे, तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना बहुत जरूरी है मार्केट में। जी सुब्रा, आपकी ट्रेडिंग चॉइसेस क्या हैं आज के लिए? Well, Diwali, to begin with, Engineers India, जो अच्छी खासी मोमेंटम में रही है, लेकिन थोड़ी बहुत सुस्त कारोबार करेक्शन देखने को मिली है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर वापस मोमेंटम आ सकती है। खरीदारी करें, 174 का टारगेट, 162 का स्टॉप लॉस। दूसरा जेन इरिगेशन, ये भी मेरा मानना है कि शायद इस महीने में अच्छी खासी चाल दिख सकती है, खरीदारी करें, 117 का टारगेट और 109 का स्टॉप लॉस। और तीसरा IRB इंफ्रा, इसमें अच्छी खासी कंसोलिडेशन 255 के ऊपर देखने को मिल रही है, खरीदारी करके चले, 273 का टारगेट और 255 का स्टॉप लॉस। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स जो लास्ट के सेशन में अच्छा मूव देखे गए हैं, स्पेशली डेरिवेटिव फ्रंट्स पे, उसमें ONGC काफ़ी स्मार्टली मूव आते हुए देखा। अविनाश, एक तो IFCI और दूसरा ONGC, इन दोनों में कुछ स्ट्रक्चरल मूव हो रहा है तो हम इसको रखेंगे, नहीं हो रहा तो टिपिकली ट्रेडर्स का मूव है तो हम नहीं रखने वाले। ये ट्रेडर्स का मूव है या फिर स्ट्रक्चरल मूव है? मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर ट्रेडिंग मूवी है डिम्पी, क्योंकि अगर हम IFCI की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी समय से एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे जो नॉन कोर एसेट्स है वो IFCI डिस्पोज ऑफ करेगी, इनकी बैलेंस शीट में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये अगर फ्रक्टिफाई होता है, यहाँ पे कोई डील होती है इन द नियर टर्म, तो ही स्टॉक में एक अच्छी रीरेटिंग देखने को मिलेगी। हालाँकि अभी इस लेवल पर हमको नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी बढ़त आएगी। और ONGC में हमको लग रहा है कि क्रूड के भाव जब तक सॉफ्ट रहते हैं, क्रूड में कोई बड़ा उछाल नहीं आता, तब तक ONGC में भी हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी बढ़त आएगी। ये प्योरली ट्रेडिंग मूव्स है और फंडामेंटली हमको लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करें, बट फ्रेश बाइंग बिल्कुल ना करें। जी, इनफैक्ट मयूरेश, ONGC पर आपके कमेंट्स भी लेना चाहेंगे। आपको भी लगता है कि जो 4% चला है ये स्टॉक पिछले सेशन में, एक ट्रेडिंग मूव था, क्योंकि कई सारे हाउसेस की रिपोर्ट आई है कि आफ्टर डिकेड्स ऑफ नेगेटिव टू फ्लैट ग्रोथ, इस क्वार्टर में जो गैस प्रोडक्शन है वो इंप्रूव कर सकती है, और इनफैक्ट एनुअली 10-15% तक की ग्रोथ की भी बात हो रही है। आपका व्यू क्या है ONGC पर? मॉर्निंग दीपाली जी, आई थिंक बिल्कुल पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ ऑफसेटिंग इफेक्ट। अगर हम बात करें तो जैसे पेट्रोल और क्रूड, जैसे अविनाश बता रहे थे, आई थिंक काफ़ी डिपेंडेंस रहता है, लेकिन गैस के भाव जैसे हम रियलाइजेशंस देख रहे हैं वो शायद ऑफसेट करता है अगर क्रूड के भाव बढ़ते भी हैं। तो आई थिंक जो कोरिलेशन है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स प्रॉब्ली एमिनेटिंग ऑन देयर बॉटम लाइन, कहीं ना कहीं आई थिंक अंडर रिकवरीज नहीं है, सब्सिडीज नहीं है, फिर भी मेरे ख्याल से आई थिंक फंडामेंटली आई थिंक स्टिकनेस है। बट येस, आई थिंक मैं ट्रेडिंग मूव रूल आउट नहीं करूंगा, आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग मूव शायद ONGC में अभी भी है और अभी भी रह सकती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ठीक है, दो शेयर मैं आपके सामने राजेश रख रहा हूँ। एक तो फैक्ट, ये शेयर देखिए आप, ये 52 रुपये का शेयर है
और इसके अलावा एक शेयर है यूफ्लेक्स, ये करीब 9% पर 371 रुपये का शेयर है। दोनों के अंदर स्मार्टली अच्छा मूव आते हुए दिख रहा है, क्लोजिंग ठीक ठाक थी विद द वॉल्यूम। ये आज भी हमको बाय करने हैं या फिर आज प्रॉफिट बुक करने का समय है? जो भी जिन्होंने भी BTST किया होगा वो तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जिनके पास होल्डिंग है उनके लिए टारगेट और दीजिए, मेरे को स्टॉप लॉस भी दीजिएगा। देखिए मुझे लगता है कि यूफ्लेक्स में जो मूव है वो 320 के आसपास का इसका एक टेक्निकल ब्रेकआउट था और वहाँ से लेके इसका जो टारगेट बनता था वो रफली 385। बहुत अच्छा मूव है लेकिन यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग ना करें। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप इसे बने रखें विद स्टॉप लॉस ऑफ 360। अपसाइड में 385 के आसपास अगर आज के ट्रेडिंग में कुछ मूव मिलता है तो आप यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। सेकंड इज फ्रैक्ट ना, फर्टिलाइजर एंड केमिकल फैक्ट, FACT फैक्ट। देखिए ओके या 52.80 का क्लोजिंग है। मुझे लगता है कि इसका ओवरऑल आप डिम्पी देखो तो फर्टिलाइजर सेक्टर में जो मूव है बहुत ही बढ़िया है और आप इसमें हम लोग देखते हैं कि जब भी इसमें करेक्शन आता है तो इसमें बाइंग आता है और एक नया हाई बनाता है, क्लियर कट हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में इसमें ट्रेंड है, अभी भी इंटैक्ट है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको एग्जिट लेनी है और इनफैक्ट इसका जो टारगेट अनफोल्ड हुआ है वो मुझे लगता है रफली 65 जो इनिशियल टारगेट 65-70 का रेंज जो इसका पहले वाला जो हाई था रिसेंट हाई था एक बार के लिए हिट करेगा। तो अगर है यहाँ पे तो बने रखें विद स्टॉप लॉस ऑफ से 42 रुपीस, करंट मार्केट प्राइस इज 52, तो अगर छोटा मोटा करेक्शन आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी जी। लेकिन फर्टिलाइजर स्पेस का एक और स्टॉक था जो अच्छा मूव दे रहा था फ्राइडे के सेशन में, वो था GSFC। यहाँ भी काफी अच्छी बाइंग थी और स्टॉक 5% के आसपास के स्पर्ट के साथ क्लोज भी हुआ था। लेकिन मयूरेश, ये रियल स्टेट स्पेस से अभी आपकी प्रिफर्ड पिक क्या है? क्योंकि आप देखिए बजट के बाद से कॉन्स्टेंट ये स्पेस चला है, अब रेरा भी कल से लागू हो गया, जिसके बाद माना जा रहा है कि जो डायनामिक्स हैं सेक्टर के वो एकाएक बदल सकते हैं और जेन्युइन बायर की ओर से जो डिमांड है वो इंक्रीज हो सकती है। डिमांड की कमी थी जो शायद इस मूव के बाद पूरी होती हुई दिखे। आप रीसेंट मूव के बाद स्पेशली किसी स्टॉक को रेकमेंड कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं? नहीं, लार्जली आई थिंक ये सारे जो पॉजिटिव्स रियल एस्टेट रेगुलेटर आया या वॉट एवर कंप्लायंसेज बढ़ेंगी, कंसोलिडेशन होगा, शायद आई थिंक लॉन्ग टर्म में बिल्कुल प्ले हो सकता है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आई थिंक अभी भी स्टिकनेस है इन टर्म्स ऑफ प्री सेल्स वेलोसिटी, जितनी इन्वेंट्री है और जो डेट लेवल्स आई थिंक लिस्टेड प्लेस कैरी करते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अगर मुझे एक या दो स्टॉक चुनने हैं प्रॉब्ली स्पेस है तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेज इज समथिंग दैट आई विल स्टिल बी वेरी वेरी बुलिश ऑन। मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे कि कंपनी के सब सेगमेंट्स हैं, उसके जो होटल सेगमेंट है इज ऑपरेटिंग एट वेरी हाई कैपेसिटीज, एन्युटी बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और हालांकि हम बात करते हैं बैंगलोर कोची चेन्नई जैसे मार्केट्स के, आई थिंक द ऑफिस ऑफटेक इज एक्सट्रीमली एनकरेजिंग। और जो रेसिडेंशियल बिजनेस है आई थिंक उसका जो पंचअप करके रिकग्निशन आएगा और जैसे ग्रेजुअल रिकवरी देखेंगे आई थिंक दैट कैन बी अ ह्यूज वैल्यू एडिशन इन जनरल SOTP कैलकुलेशन। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ब्रिगेड एंटरप्राइजेज अगर डिक्लाइंस में मिलता है तो बहुत बढ़िया पिक रहेगी। और वेस्टर्न साइड ऑफ मार्केट्स में आई थिंक गोदरेज या ओबेरॉय जो इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं आई थिंक बिल्कुल होल्ड करना चाहिए स्टॉक्स। एक बार सुब्रा, आप जैकॉप के शेयर को ज़रूर देखिए, और ये 6% ऊपर था। असल में शुक्रवार को ना खबर ये भी आई थी इसके अंदर कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लैंड है जहाँ पे नवी मुंबई के अंदर ये डेवलप किया जा रहा है, इस लैंड को सरकार एक्वायर कर सकती है, और एक्वायर जब करेगी तो वहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग दे सकती है। जैकॉप का वहाँ पर SEZ है जिसका बड़ा फ़ायदा इसको वहाँ पर मिलेगा, उसके आसपास की लैंड इसकी वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगी जिस जगह पर ये नवी मुंबई का एयरपोर्ट बन रहा है। ये एक स्मार्टली मूव देखे गया था, ये और भी चल सकता है। खबर के डेंसिटी शायद इतनी है कि इसको एक दिन में नहीं रुकना चाहिए, कम से कम आज भी 5% चलना चाहिए। हमको एक बार रखें ना इस शेयर पे नज़र, अभी रखें इसको होल्ड करके। डिपी काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है क्योंकि अगर आप देखें तो आई थिंक 6-7 साल पहले बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद लगभग ऑलमोस्ट लास्ट 6-7 साल में बिल्कुल फ्लैट ही रही है, इनफैक्ट उल्टा एक नेगेटिव बायस के साथ। और लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक बॉटम आउट फॉर्मेशन देखने को मिला है और हमारा मानना है कि शायद नियर टर्म में काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड फेवर करता है, और जिस हिसाब से मोमेंटम स्पेस में पूरे स्पेस में देखने को मिल रही है, मेरा मानना है कि शायद एक अभी या इस लेवल से अच्छी खासी बढ़त आ सकती है। एक मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर किसी को यहाँ पर खरीदारी करना है तो कर सकते हैं। आई थिंक एक रीजनेबल स्टॉप लॉस ET रहेगा और आई थिंक 125-130 यहाँ तक जाने की पूरी क्षमता रहती है। ठीक है।